नमस्कार प्रणाम सभी मित्र साथी भाई के बहुत बहुत आभार सबके दिल से प्रणाम सबसे पहले धन्यवाद जितना भी लोग गाली के साथ संबोधन है और धन्यवाद उकरा के जे काल के वो हमारे पोस्ट में बहुत सारा गाली वाली लिख बा तो माँ सरस्वती रहुआ सदबुद्धि देस और दिमाग में घुसो रस के रुआ खाली गाड़ियों से अपन दिन और रात शुरुआत करी और गाली देवे वाला भाई के भी दिल से धन्यवाद कहें से कि श्रोता समाज के गाली भी आशीर्वाद होला और जे भी भाई सपोर्ट करता जे भाई हमारा बात के समझल और हमारा बात के अन्यथा ना लेके हमारे विषय के, के समझल वो समझदार व्यक्ति के वो भाई के दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जौन भाई हमारा बात के समझ के और जौन हम चार लाइन के बात लिखले रही वो बात के आप लोग बहुत ही सपोर्ट कई और जरा हर समाज में कुछ निम्न सोच के आदमी होले, तो अगर को कुछ कर नहीं सकता आदमी और हम लाइव में हमेशा बोली ला कि कुछ लोग के काम ही, ही है कि सुबह आंख खुले और रात के सुते तक उनके खाली गारियां लिख ही के बा चाहे केहू के पोस्ट आ जाए और आज मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि राजनीति कलाकार नहीं करते हैं राजनीति कुछ चंद गाली देने वाले हैं जिनको इसी में मजा आता है वो हर बात को राजनीति ही ले लेते हैं अगर कलाकार अपनी दिल की बात भी कहता है तो वो हर बात को राजनीति में घुमा देते हैं क्योंकि उनको मजा आता है ये सब करने में उनको लगता है कि हम ऐसे करेंगे हम किसी को गाली देंगे किसी के प्रति उल्टा बोलेंगे तो हमारा बहुत प्रचार होगा हम बहुत बड़े आदमी कहलाएंगे हमको लोग बहुत प्यार करेंगे अब ऐसे मूर्खों को टोली को तो कोई समझा नहीं सकता है ये वो कहा था भोजपुरी में कि भैंस के आगे बीन के बजावे कतनो बीन बजे बात फायदा नहीं किया तो मैं इसीलिए आज अपने लाइव का शुरुआत इसी बात से किया कि जितने लोग मुझे गाली दिए हैं और जो गाली से संबोधन किए हैं उनको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों का गाली भी आशीर्वाद है मेरे लिए मैं उसको अब आशीर्वाद के स्वरूप में ले रहा हूं अब ये मैं जान गया हूं कि भैंस के आगे बिन नहीं बजाना है कुछ ऐसे उस कैटेगरी के लोग हैं जो जिंदगी में सुधर नहीं सकते हैं हो सकता है वो अपने माँ बाप को भी गाली देते हो क्योंकि उनको गाली देने का आदत लगा हुआ है तो वो किसी को नहीं छोड़ सकते हैं तो ऐसे लोगों का तो कोई इलाज है नहीं क्योंकि आप बिना बात को समझे बिना बात को जाने बिना आप किसी बात को उसके तहकीकात किए हुए आप कुछ भी बोल देंगे कुछ भी लिख देंगे चलिए हम आते हैं विषय पे। मैंने कल एक पोस्ट किया जो मैं दो चार दिन से काफी सुन रहा था तो मैंने एक पोस्ट किया कि भाई जो हमारे स्टार खेसारी लाल जी हैं तो खेसारी लाल जी ने फेसबुक लाइव में अपनी मन की बात कही थी तो मुझे खेसारी लाल नाम इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि उन्होंने उनसे उनके नाम से ही यह विवाद शुरू हुआ था और उनके इस बात के बाद ही बहुत सारी बातें होने लगी लेकिन मेरा जो कल का पोस्ट था उसका सोच कुछ और ही था मैं अपनी बात कुछ और रखना चाहता था और यह सत्य बात है मैं जो बोलना चाहता था वो बोला हूं आगे भी बोलूंगा इसके लिए बहुत सारे मैसेज आए आ, यादों का सपोर्ट कर रहे हो खेसारी लाल का सपोर्ट कर रहे हो खेसारी लाल का चमचा हो मुझे इस सब से फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि भोजपुरी भाषा को सुनने वाले ये जो 40 करोड़ 50 करोड़ लोग हैं ना ये सब हमारे परिवार हैं और हमको इस बात से फर्क नहीं पड़ता है हम सच बोलते हैं बोलेंगे और जीवन भर बोलेंगे मुझे इस बात में कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके लिए कौन क्या कह रहा है जितने भी भाई मेरे से जुड़ रहे हैं आप सब से एक निहोरा है कि मैं अभी किसी का नाम नहीं भी ले रहा हूं तो बुरा मत मानिएगा क्योंकि मैं अपनी बात रख रहा हूं जिस बात पे इतना बवाल हुआ है मैंने क्या बोल दिया मैंने एक ही बात बोला और जो मुझे बोलना चाहिए था चाहे वो खेसारी लाल यादव हो चाहे वो राकेश मिश्रा हो चाहे वो पवन सिंह जी हो चाहे लाल यादव निरहुआ जी हो चाहे मनोज तिवारी जी हो चाहे वो रितेश पांडे जी हों चाहे समर सिंह जी हों चाहे अंकुश राजा जी हों चाहे गोलू गोल्ड जी हों दुनिया के कोई भी कलाकार हो आज का भी पैदा हुआ आज का एक गाना गाने वाला भी कलाकार हो इतना तो मैं गर्व से कह सकता हूं कि कलाकार दिल का बहुत भावुक होता है और यह सच बात है वो कितना बड़ा स्टार है कितना फ्लॉप है कितना हिट है कितना उसको लोग नहीं जानते हैं वो कितना गायक है कितना नहीं है मैं इतना जानता हूं कि कलाकार कोई भी हो भावुक होता है और भावुक होना कोई बुरी बात नहीं है कलाकार का दूसरा नाम ही है मोहब्बत प्यार हर किसी को हंसाना हर किसी को खुश रखना हर किसी के इवेंट में जाकर उनको इंटरटेनमेंट करना तो कलाकार का काम ही है उसको इंटरटेन करना कि कलाकार का काम है किसी को रुलाना किसी को दर्द देना किसी को डांट देना ऐसा नहीं है मैंने बात की भावना की लोगों ने बात उठाया राजनीति की मैंने बात की भावना की कि आदमी की भावना क्या होती है भावना सबके अंदर है खेसारी लाल जी कोई भगवान नहीं है कि उनके अंदर भावना है और राकेश मिश्रा के अंदर भावना नहीं है सबके अंदर भावना है लेकिन वो भी हमारे भाई हैं उनका अगर श्याम देहाती जी के साथ लगाव था उन्होंने अगर आके उनके आंसू छलके तो वो रियल थे वह आंसू किसी के छलक जाएंगे आपके भी कोई अपने अगर गुजरेंगे बहुत 24 घंटे आपके साथ बिताते हो तो जरूर आपको दर्द होगा वो भावना है भावना को आप राजनीति से टच मत करिए कलाकार के स्टार्टम से टच मत करिए कि वो रोए ये क्यों नहीं रोए अब राकेश मिश्रा नहीं रोए हैं तो राकेश मिश्रा आपको दिखा के तो नहीं रोएंगे लेकिन श्याम देहाती जी हमारे भोजपुरी परिवार के भोजपुरी इंडस्ट्री के एक धरोहर थे एक गीतकार के तौर पे एक परिवार के तौर पे हम सबके चाहते थे आज उनके साथ जो भी हुआ आप जितने लोग मेरी लाइव सुन रहे हैं आज मेरी बात को समझिएगा भले कुछ लोग पता नहीं कैसे मुझे गलत साबित कर देते हैं मेरी बातों को तुरंत अन्यथा लेकर ड्रामा पूरा मजा देते हैं हा हाउोल हा, मजा देते हैं मैं और भी यूट्यूब पे लाइव देखता हूं तो सबके लाइव में कितना भी ड्रामा होगा तो उसको खूब यूट्यूब पे न्यूज बनाया जाता है बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा लेकिन कोई सच बोल देता है तो पछता ही नहीं है पता नहीं क्या प्रॉब्लम है भोजपुरी दर्शकों का ये कि उनको सच नहीं पचता है उनको दिखावा ड्रामा ड्रामेबाजी बहुत ज्यादा पसंद आता है मैंने तो सत्य बोला आज भी एक लड़का अगर गायक है अगर वो गायक है अगर वो गाना गाता है उसका पोस्टर पे नाम है तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि वो भावुक जरूर होगा आप लोगों को आजादी है जिसको जो लिखना है लिख सकते हैं लेकिन मैंने अपनी बात रखती थी श्याम देहाती जी के मैटर पे और भावुकता पे भावुक होना गलत बात नहीं है अपनी बात रखना भी गलत बात नहीं है सबका अपना बात रखने का तरीका होता है श्याम देहाती जी पूरे भोजपुरी इंडस्ट्रीज के परिवार थे परिवार का कोई भी सदस्य जाता है तो दर्द होता है एक भोजपुरी परिवार के सदस्य होने के नाते उनका जाना अचानक जाना जन्म और मृत्यु किसी के हाथ में नहीं होता है क्यों हुआ कैसे हुआ ये तो ऊपर वाले जाने अभी भी जिस हिसाब से देश में सिचुएशन चल रहा है हम हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं एक दूसरे को सपोर्ट करना है हर परिवार को बचाना है अपने से जितना हो सके हम लोग को करना है और ये आप लोग भी जानते हैं कि जो महामारी हमारे देश में आई है भारत में उसको हम सबको लड़के हम सबको मिलके हम सबको एक दूसरे से थोड़ा दूरी बना के थोड़ा सा अपने आप को अलग करके Uh, मेरा मास्क मेरे पास इसलिए नहीं है कि मैंने मैं अपने रूम में अकेले हूं भाई मैं किसी के साथ नहीं हूं तो मैं सेफ क्वारंटाइन हूं और तब मैं बात कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं इसमें सबका सबका सहयोग साथ एक दूसरे को परिवार की तरफ कहीं ना कहीं सपोर्ट करना पड़ेगा ना कि इस टाइम हम एक दूसरे का खिंचाव करेंगे एक दूसरे को टांग खींचेंगे एक दूसरे के ऊपर लाछन लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर बातें करेंगे ऐसा मेरा मानना है पर्सनली मैं किसी को कुछ नहीं बोल रहा हूं अगर मेरी किसी बात से किसी को पीड़ा भी हो तो मैं क्षमा याचना भी मांगता हूं मैंने सिर्फ एक लाइन की बात की कि कोई कैसे भी कहीं से भी अगर अपनी बात रखता है आपसे अगर कोई अपनी बात रखता है हम ही आज आप लोगों से लाइव में बोल रहे हैं तो मैंने इसलिए थोड़े लाइव आया है कि मैं लाइव आ जाऊं और आ, किसी ने मुझे लिखा कि हां हां लाइव आके आप रोइेगा अपने गाना के व्यू बढ़ाने के लिए भाई मैं आ, मैं कभी रोया नहीं हूं आपको शायद याद नहीं होगा तो आप याद कर लीजिएगा जब इंसान को दर्द होता है तभी रोता है आप लोग जैसे तो हम लोग हैं नहीं कि जब मन किया जो लिख दिए और खुद ही दस गो दस खेड़ा में बांट दिए हो भोजपुरी को आप लोग भोजपुरी को लोग थोड़े बांटा है क्योंकि किसी भी बात को आप लोग अनर्गल उठा लेते हो थोड़ा खोपड़ा लगाओ पढ़े लिखो समझदार बनो किसी भी बात को पढ़ो उसको समझो कि उसका अर्थ क्या है तो सुबह से शाम तक तो घटियाई के फेरा में रहोगे तो घटिया दिमाग न रहेगा और यही बात बोलता हूं तो आधी इंडस्ट्रीज बोलती है कि राकेश मिश्रा तो बहुत कड़ा बोलते हैं राकेश मिश्रा को तो बोलने ही नहीं आता है राकेश मिश्रा तो गुस्से में ही रहते हैं जबकि सच बात है कि मैं कभी गुस्से में नहीं रहता हूं मेरी एक ही गलती है चापलूसी नहीं करता हूं मीठा नहीं बोलने आता है ठीक है मुझे बहुत मीठा नहीं बोलने आता है मस्का का पालिश नहीं लगाने आता है यह मैं खुल के बोल रहा हूं मेरा सिद्धांत ऐसा ही है जो सच है वो बोलूंगा खेसारी लाल जी के साथ श्याम देहाती जी का संबंध मैं जानता हूं मैं मुंबई में भी देखा हूं उनके घर पे भी देखा हूं उनके साथ वो 24 चौबीस घंटा रहते थे उन्होंने प्रयास भी किया होगा नहीं किया होगा वो उनका अपना इंटरनल मामला है लेकिन अगर वो आके अपनी बात रखे हैं या उनके बात में इतना विवाद हो रहा है तो अभी तो सबसे पहले हम पूरे भोजपुरी परिवार को पूरे भोजपुरी कलाकार को एक साथ जुट के इस महामारी में लड़ना चाहिए इस महामारी में लड़ना चाहिए इस महामारी में दोष लगाने से कोई फायदा नहीं है हम सभी लोग को मिलकर लड़ना चाहिए और मेरा बात जो है अभी भी मैं उसी पे अडिग हूं कि कलाकार भावनात्मक होता है तो कलाकार भावनात्मक होता है भावना हर व्यक्ति के अंदर है कलाकार लेकिन थोड़ा ज्यादा भावनात्मक होता है हम आप सभी लोगों से निवेदन करेंगे कि आप सभी भाई सभी मित्र सभी साथी जो मुझे गाली देते हैं वो भी जो आशीर्वाद देते हैं वो भी अभी सवाल यह नहीं है कि मुझे गाली कौन दे रहा है और मुझे प्यार कौन कर रहा है और मुझे नहीं प्यार कौन कर रहा है अभी सवाल यह है कि सभी लोग पहले सुरक्षित रहें सबका जीवन बचे सभी लोग अपने अपने मां बाप के साथ अपने बहन के साथ अपने भाई के साथ अपने परिवार के साथ पहले जीवन सुरक्षित करें उसके बाद कुछ करिए इसीलिए मेरा कोई और प्रोपगेंडा नहीं है रही बात मेरे गाने बजाने की तो मुझे आप लोगों से आशीर्वाद मिलता है मुझे कोई शिकायत नहीं हो रहा है कोई शिकायत नहीं करता हूं मुझे आप लोग से भरपूर आशीर्वाद मिलता है पूरे के पूरे के समाज के सबको लाइव के माध्यम से ही आप सबका मतलब क्या बोलूं यही से मैं पैर कर रहा हूं कि आप सब जो मुझे आशीर्वाद दुलार प्यार देते हैं वह हमेशा देते रहिएगा और मैं अपना गीत संगीत जैसे जारी रखा हूं हमेशा रखूंगा आप सबका आशीर्वाद बना रहे अभी भी जैसे मेरे जो भी अभी गाने जैसे अंगद मंजल जी लिखते हैं जो राइटर हैं बड़े भैया उनको भी मैंने यही बात बोला कि भैया आप अपना गाना अच्छा अच्छा लिखते जाइए हम गाना अपना गा रहे हैं जो भी हमारे साथ राइटर हैं चाहे पवन पांडे जी हो चाहे अनदर जो भी हमारे साथ टीम हमारा काम करा है हमने बोला हम लोग अपना काम करें इस महामारी में एक संगीत भी दवा है एक संगीत भी दवा है जो कि बहुत जरूरत है इंटरटेनमेंट करना अगर हम कलाकार हैं तो हम लोग का काम है कि आप लोग के लिए थोड़ा सा घर में ही अकेले ही बैठ के कुछ अच्छे गाने बनाए अच्छे गाने दे जैसे कि अभी मेरा एक बहुत ही अच्छा निर्गुण गीत आने वाला है मैं आप सबको बता दूं कि बहुत ही बढ़िया एक निर्गुण गीत आने वाला है मेरा एंगल म्यूजिक के माध्यम से तो मेरा यही बात है कि चेहरा चाहे कोई भी हो अच्छा लगा अभिषेक जी ने एक बात लिखी है कि चेहरा कोई भी हो आप सही का सपोर्ट कीजिए मैं इस बात के लिए नहीं सपोर्ट करता हूं कि वो मिश्रा जी हैं वो पाणे जी हैं वो तिवारी जी हैं वो यादव जी हैं वो राम जी हैं वो ये जी हैं सभी हमारे हैं लेकिन हम उस बात का सपोर्ट करते हैं जो बात मुझे सही लगता है मैं खेसारी लाल जी का भावना का कद्र किया मैं सबकी भावनाओं का कदर करता हूं चाहे सिचुएशन कुछ भी हो मैं पर्सनली भी श्याम देहाती जी के कोटी कोटि नमन करता हूं और मैं प्रयास करूंगा कि हम सब लोग मिलकर कहीं ना कहीं उनके परिवार के साथ जुड़े रहें तो हर बातों को लपेट देना हर बातों को मतलब रेवत देना हम लोग से क्या गलती हो रही है हम भी हम लोग कोई भी अच्छी बात रख रहे हैं उस बात को मार्केट में न्यूज उठा के पूरा एकदम एक से एक पूरा थे भोजपुरी भाषा का ये कौन सा समझदारी है हम लोग का ये तो कोई समझदारी है नहीं हमारी समझदारी यह है कि हम लोग अपने परिवार को बचाएं हम सभी लोग एकजुट रहे हैं कोई जरूरी नहीं है कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं तो कल हम शायद रहेंगे आज की इतनी महामारी की भयानक सिचुएशन है कि किसी को नहीं पता है कि किसका आखिरी कॉल कौन होगा और किसका आखिरी मैसेज क्या होगा इसलिए मेरे भाई सबके प्रति प्रेम रखिए सबसे प्यार कीजिए सबके लिए प्रेम जगाइए आज के डेट में कोई गारंटी नहीं है कब किसको क्या होगा इतनी बड़ी महामारी से देश जो है वो जूझ रहा है और हम लोग आपस में टकरा रहे हैं प्लीज मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माफ कर दीजिएगा मैं बस इतना ही चाह रहा हूं कि जब आखिरी कॉल और आखिरी मैसेज कौन सा होगा नहीं पता है तो फिर इतना घमंड क्यों, इतनी बातें क्यों इतना नौटंकी क्यों अभी भावुकता ही काम आएगा हम तो चाहते हैं कि एक दूसरे के प्रति भावना रहे और आप सभी जो जहां है मेरे मित्र मेरे भाई मेरे सहयोगी मेरे परिवार भोजपुरी के अनेक लोग यूपी बिहार समस्त देश के जिस भी कोने में आप बैठे हैं मेरा लाइव सुन रहे हैं प्लीज चाचा चाची भैया भाजी जो भी बोलू बहन मित्र साथी दोस्त जो भी हो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना जीवन सेफ कीजिए आप लोग रहेंगे तो हम लोग रहेंगे आप लोगों को भगवान हमेशा एकदम सुरक्षित रखे यही मेरी दुआ है माँ वैष्णो देवी से मेरा किसी बात से किसी को अगर ठेस पहुंचा हो तो मैं क्षमा चाहता हूं फिर से और बस एक लाइन बोलूंगा कि कलाकार बहुत भावुक होता है प्लीज उसके भावनाओं का कद्र करें थैंक यू लव यू सेफ रहिए आप लोग